Hello everyone, in this video we will discuss about characteristic root method. हमारे पास कुछ steps given है, ठीक है, हम with the help of example इन steps को one by one समझेंगे. ठीक है, हमारे पास question है, वो हमसे पूछेगा solve this by using characteristic root method. ठीक है, तो हमारे पास step one क्या है, write characteristic equation. हम इसकी characteristic equation लिखेंगे, देखो वो कैसे होती है. हम put करेंगे, put ए एन इज इक्वल टू आर रेज टू पावर एन. ए को मैंने किस में चेंज किया, आर में. अब आर की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बी सी या अनदर वन. और एन जो है हमारा सबस्क्रिप्ट, उसे चेंज किया सुपरस्क्रिप्ट में. अब इसे पुट करेंगे यहाँ पर, ए एन को पुट किया आर रेज टू पावर एन. सिमिलरली ए ऑफ एन माइनस वन को क्या पुट करेंगे, आर रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एट आर रेज टू पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. इसे हम कहेंगे हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, अब इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं. रूट्स के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है. ऑर्डर देखो, अब यहां पर सबस्क्रिप्ट की वैल्यू n और यहां पर सबसे लोएस्ट वाले की n माइनस टू. ऑर्डर क्या था हमारा, डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, टू. तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, टू. अब देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें से हमने सबसे लोएस्ट वाले टर्म से दोनों साइड डिवाइड कर देने हैं. हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय आर ऑफ एन माइनस टू. यहां पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, आर स्क्वायर माइनस फोर आर माइनस टू आर प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. आर आर माइनस फोर माइनस टू आर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. इससे आर माइनस टू आर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. तो हमारे रूट्स आ गए आर इज इक्वल टू टू एंड फोर. अब हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, तो हमने यहां तक काम करना है. ठीक है, दो रूट्स आ गए, इसके बाद हमने क्या करना है, देखेंगे इफ ऑल द रूट्स आर डिफरेंट एंड ऑल इफ एनी ऑफ टू रूट्स आर सेम. अगर रूट डिफरेंट आ जाए तो हम ये काम करेंगे. ठीक है, हमारे पास एक रूट आया टू, एक आया फोर, तो हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे. ए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू सी वन इंटू टू रेज टू पार एन प्लस सी टू इंटू फोर रेज टू पार एन. ये क्या होगा हमारा जनरल सोल्यूशन. ठीक है, यहां तक. अब वो हमें इस क्वेश्चन के साथ कुछ इनिशियल कंडीशंस दे दे, जैसे ए नॉट इज इक्वल टू फोर एंड ए वन इज इक्वल टू टेन. तो हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन. अब हम क्या करेंगे, यहां पर एन को एक बार जीरो पुट करेंगे, एक बार वन पुट करेंगे. पुट एन इज इक्वल टू जीरो इन वन. अगर एन को यहां पर जीरो पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा ए जीरो इज इक्वल टू सी वन इंटू टू रेस्ट पार जीरो प्लस सी टू इंटू फोर रेस्ट पार जीरो. तो ए नोट की वैल्यू क्या है, फोर. फोर इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू. तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू. अब एन को पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू वन इन नंबर वन. अब यहां पर एन को वन पुट करेंगे, ए वन इज इक्वल टू सी वन इंटू टू रेस्ट पार वन प्लस सी टू इंटू फोर रेस्ट पार एन. अब ए वन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10, तो 10 आ गया हमारे इक्वल टू 2 इंटू सी वन प्लस 4 इंटू सी टू. और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारी तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे. 5 इज इक्वल टू सी वन प्लस 2 इंटू सी टू. इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3. अब हम सॉल्व करेंगे 2 एंड 3 को. मैं क्या कर रहा हूं, 3 माइनस 2, थर्ड इक्वेशन में से 2 वाली को माइनस कर दूंगा. 5 माइनस 4 1 और यहां पर सी वन माइनस सी वन कैंसल और 2 सी टू माइनस सी टू सी टू बचेगा. सी टू की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. उसके बाद वापस पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू सी वन प्लस 1. तो सी वन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3. अब सी वन और सी टू दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3 इंटू टू रेस टू पार एन प्लस सी टू की वैल्यू है हमारे पास
वन, तो वन इंटू फोर एज टू पावर एन, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड. नाउ वी विल टेक वन अनदर एग्जांपल, व्हेन टू ऑफ इट्स रूट्स आर सेम, जब हमारे पास रूट सेम हो जाएं. हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले काम है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना. तो क्या करेंगे, पुट ए एन इज इक्वल टू आर रेज टू पार एन, तो हमारी क्वेश्चन आ जाएगी आर रेज टू पार एन माइनस टू आर एन माइनस वन प्लस आर एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. डिवाइड करेंगे सारी क्वेश्चन को एन माइनस टू से, तो आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. इसके रूट्स निकालेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, आर आर माइनस वन माइनस वन आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो रूट्स आ गए आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू वन कोमा वन. तो हमारे रूट्स आ गए सेम. तो हमारा जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, ए एन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू इंटू एन आउटसाइड वन रेज टू पार एन. अब वो फिर से हमें कुछ इनिशियल कंडीशन देते, जैसे ए नॉट इज इक्वल टू टू एंड ए वन इज इक्वल टू फाइव. तो हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम क्वेश्चन नंबर ले लेंगे वन. अब एन को पहले जीरो पुट करेंगे, ए ऑफ जीरो हमारे पास आ जाएगा सी वन प्लस सी टू इंटू जीरो आउटसाइड वन रेज टू पार एन. तो सी वन अकेला सी वन ही बचेगा और ए नॉट की वैल्यू क्या है टू, तो सी वन की वैल्यू आ गई हमारे पास टू. अब एन को पुट करेंगे वन, तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी सी वन प्लस सी टू इंटू वन आउटसाइड वन रेज टू पार एन. ए वन की वैल्यू गिवन है फाइव, तो फाइव इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, और सी वन की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे फाइव इज इक्वल टू टू प्लस सी टू, सी टू की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री. और अब C1 C2 को वापस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, तो An की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू एन आउटसाइड 1 रेज टू पार n. अब 1 रेज टू पार n तो 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ गया 2 प्लस 3 इंटू एन. ये हमारा हो गया व्हेन इक्वेशन हैव टू रूट्स सेम. नाउ आज हमने एग्जांपल्स किए हैं जब इक्वेशन क्या हो होमोजीनियस, राइट साइड में हमारा हो जीरो. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगर राइट साइड में जीरो के अलावा कोई फंक्शन ऑफ आर आ जाए, मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे.